नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? मस्त हो ना, हंसते रहो, खिलते रहो, खुश रहो और ख्याल रखो आपका खुद का, आपके परिवार का और आपके सेहत का भी। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिद्धेश आपके सामने हर एक नए नए विषयों पर वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। कई लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं कि हमें बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, तो मैं आप सबका पहले आभार मानता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, हमारा आज का जो विषय है वो है अक्षत तृतीया। अक्षत तृतीया माने कि 3.5 मुहूर्त में से एक ये शुभ मुहूर्त कहा जाता है, इसके बारे में आज हम जानकारी देने वाले। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षत तृतीया कहा जाता है। शुभ और मांगलिक कार्यों को करने के लिए अक्षत तृतीया का यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। मैंने जैसे आपको कहा कि 3.5 मुहूर्त में से यह एक मुहूर्त है, इस तिथि में किए गए कार्य का फल अक्षय माना जाता है, यानी कि बढ़ने वाला। इसी कारण शुभ कार्यों के लिए अक्षत तृतीया को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 14 मई 2021 शुक्रवार को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया यह अक्षय तृतीया तिथि है। अक्षत तृतीया में शादी विवाह संस्कार, उपनयन यानी कि मौंजी संस्कार, गृह प्रवेश, नया व्यापार, नया वाहन, भूमि भवन, नया कारोबार आरंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया पर भगवान सूर्य नारायण और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, इस कारण भी इस तिथि को शुभ माना जाता है। अक्षत तृतीया के दिन किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है, आरंभ किया जाता है, तो उस कार्य में सफलता अवश्य ही अवश्य प्राप्त होती है। दोस्तों, अक्षत तृतीया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी है, आपको पता भी होगी। अक्षत तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ है। मान्यता है कि अक्षत तृतीया के दिन उस दिन ही भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर मैया गंगा उतरी हुई थी। इसके साथ ही सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के आरंभ की गणना अक्षत तृतीया से मानी गई है। अक्षत तृतीया पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। सत्पात्री व्यक्ति को दान देना चाहिए, ऐसे कहा है। जैसे कि पंखा, चावल, नमक, शुद्ध देसी घी, चीनी, शक्कर जिसे हम कहते हैं, सब्जी, कोई भी हरी सब्जी, फल, हरे भरे फल, इमली, कपड़े, इन चीज़ों का दान करना चाहिए सत्पात्र व्यक्ति को। सनातन धर्म में अक्षत तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन अभूज मुहूर्त होने के कारण किसी भी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मपाल युधिष्ठिर को अक्षत तृतीया का महत्व बताते हुए कहा था कि यह परम पुण्यमयी तिथि है, ये अक्षत तृतीया। इस दिन दोपहर से पहले स्नान, दान और तप करने से इंसान को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शंका नहीं। अक्षय तृतीया को लेकर प्रचलित एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब और वैश्य रहता था।
जिसकी देवताओं में ज्यादा श्रद्धा थी, गरीब होने के कारण वह बहुत व्याकुल रहता था। इस दिन उसे किसी से अक्षय तृतीया का ये व्रत होता है, उस व्रत के बारे में जानकारी मिली, पता चला। उसने इस दिन विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा की और दान पुण्य किए। इस दिन किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वह अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन शुरू किया जाने वाला कार्य सफल ही होता है। इतना ही नहीं, इस दिन जितने भौतिक संसाधन है जुटे जाते, वह हमेशा बने रहते हैं। अक्षय तृतीया इसीलिए उसको कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन लोग नए काम की शुरुआत करने के साथ ही नया बर्तन, सोना, चांदी, अलंकार और अन्य कीमती वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन खरीदा गया सोना पीढ़ियों के साथ साथ बढ़ता रहता है। जिसका अक्षय न हो वह अक्षय। अक्षय तृतीया के पावन दिन ही उत्तर भारत में स्थित यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट भी खुलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पावन दिन गंगा स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी तरह का शुभ कार्य किया जा सकता है। कोई भी कार्य हम आरंभ कर सकते हैं। इस दिन पितृ संबंधित कार्य करने से, जैसे कि पितृ श्राद्ध हम बोलते हैं, पितरों का आशीर्वाद उससे प्राप्त होता है, उनको गति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच काफ़ी भयानक और लंबे समय तक युद्ध हुआ था और अंत में देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर राक्षस का वध किया गया था। पवित्र पुराणों के अनुसार उस दिन को सतयुग के अंत और त्रेतायुग के प्रारंभ के रूप में चिन्हित किया गया था। इस प्रकार उस दिन के बाद से अक्षय तृतीया को एक नए युग के प्रारंभ के रूप में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त सुदामा का पुनर्मिलन का दिवस के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे, ये आप सब जानते हो। अक्षय तृतीया के दिन सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी गए, क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण से आर्थिक मदद मांगने के लिए बाध्य किया। देवता के धन और ऐश्वर्य को जानकर सुदामा झेप गए और वित्तीय सहायता मांगने में लज्जा महसूस की उन्होंने। वह उपकार के रूप में भगवान कृष्ण के लिए कुछ चावल के दाने, यानी कि जो पोहा हम कहते हैं, वो पोहा लेकर आए थे, लेकिन शर्मिंदगी के कारण उन्होंने उसे वही छोड़ दिया और वापस अपने घर लौट आए। बहुत दोस्ती उनकी, आपको पता है। भगवान कृष्ण ने चावल के दाने को देखा, उन दानों को देखा, उन पोहा को देखा और अपनी मित्रता के दिव्य बंधन के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उसका उपभोग किया। बड़ी प्रसन्नता से उसका उपभोग किया। घर पहुंचने के बाद सुदामा यह देखकर चकित हो गया कि उनकी झोपड़ी की जगह
एक भव्य महल था और उनके परिवार के सभी सदस्य शाही पोशाक में थे, वस्त्र अलंकार पहने हुए थे। यह सब देखकर सुदामा ने महसूस किया कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की लीला आशीर्वाद के कारण नहीं है, जिन्होंने उन्हें प्रचुरता और अन्य आवश्यक चीजों के साथ शुभकामनाएं दी। इस प्रकार उस दिन के बाद से इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। जिसका क्षय ना हो वह अक्षय और भौतिक लाभ प्राप्त करने का दिन माना जाता है। दोस्तों, यह दिन व्यवसायियों के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। जो व्यवसाय करते हैं, व्यापारी लोग, हमारे दोस्त जो है व्यापारी बंधु, और इसलिए वे आराधना करते हैं तथा देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और धन और प्रचुरता के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं, धन की वृद्धि के लिए। पवित्र जल में पवित्र स्नान और पवित्र अग्नि में जौ अर्पित करना अक्षय तृतीया के महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। भक्त पवित्र मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं और आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं ताकि भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त कर सके और सौभाग्य प्राप्त कर सके। ऐसा या अक्षय तृतीया का दिन है। दोस्तों, यहाँ आप सभी को मेरी तरफ से एक समृद्ध और शुभ अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभेच्छाएं। दोस्तों, बस कहना एक ही है, आज इस साल बाहर कोरोना के वजह से लॉकडाउन चालू है, पिछली साल भी था, निर्बंध लगे हुए हैं, कोई महत्वपूर्ण काम या जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलना, बेवजह मत निकलना। कोई भी ये ना कहे कि हम भगवान के परम भक्त हैं, हम उनके सेवक हैं, हमें कुछ नहीं होगा, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें। सतर्क रहे और ख्याल रखे स्वयं का, अपने परिवार का और अपने सेहत का भी। दोस्तों, ये अक्षय तृतीया का जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा, इसकी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं, मुझे व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, फ़ोन भी कर सकते हो, कई लोगों के फ़ोन भी आते हैं 9923106478। जैसे कि YouTube पर हमारा चैनल भी है सिद्धेश सुले नाम से, SIDHAASHSULEY, मराठी विषयों पर भी हम वीडियो बनाते हैं। आप सुनते हो, आप कई लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं तो बोलते हैं कि हम मराठी का भी सुनते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया का ही मुहूर्त हमारे जो उत्तर भारत में दोस्त है उनके लिए हिंदी हम प्रस्तुत करते हैं, हिंदी का वीडियो जो हम महाराष्ट्र में सुन सकते हैं और वहाँ भी सुन सकते हैं। दोस्तों, इस अक्षय तृतीया का आपका धन अक्षय होए और आपका दुख है वो घट जाए, जो पीड़ा है वो घट जाए, ऐसे में आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद। दोस्तों, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ख्याल रखो, धन्यवाद दोस्तों।